प्रेरणा कथा सहेलिया। अनुराधा के माता पिता को उस पर गर्व होता था क्योंकि उनकी बेटी पढ़ने लिखने और खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में अव्वल रहती थी। जिस दिन उसने दौड़ में पहला पदक जीता घर में सभी लोग बहुत खुश हुए थे। अनुराधा की एक बहुत पक्की सहेली सीमा थी, परंतु सीमा और अनुराधा में बहुत अंतर था। सीमा दिन में ही सपने देखा करती थी और कभी भी किसी सपने को पूरा करने के लिए परिश्रम नहीं करती थी। उसके माता पिता की उससे बहुत उम्मीदें थी, परंतु सीमा हमेशा उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती थी। उसके घर में हमेशा एक तनाव का वातावरण रहता था। अगले हफ्ते सीमा के स्कूल में यूनिट टेस्ट होने वाले थे। उसके पिताजी ने उसको चेतावनी दी कि यदि उसने उस परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो वो उसको उसकी दादी के पास गांव में पढ़ने के लिए भेज देंगे। सीमा हर दिन सुबह सुबह उठकर मंदिर जाने लगी और भगवान से उसको सफल बना देने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने सोचा था कि भगवान की प्रार्थना करने से उसको सफलता मिल जाएगी, परंतु जब परीक्षा का परिणाम आया वो असफल हो गई थी। उसके माँ बाप उसको अनुराधा का उदाहरण देने लगे। अनुराधा हमेशा की तरह इस बार भी कक्षा में प्रथम स्थान पाने में सफल हुई थी। एक दिन अनुराधा और सीमा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो अपने स्कूल और निजी जीवन के बारे में बातें कर रहे थे। अनुराधा को ऐसे लगा जैसे सीमा उससे कुछ छिपा रही थी। अनुराधा ने सीमा को बताने पर बाध्य कर दिया। सीमा ने उसको बताया कि वो घोर निराशा में थी और उसकी खुशी आने वाली परीक्षा में उसके परिणाम पर निर्भर थी। वो बोली कि उसको अपना जीवन बहुत ही नीरस लगने लगा था। अनुराधा ने सीमा का हाथ पकड़कर उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, सीमा तुमको छोटी छोटी सफलताओं को एक एक करके प्राप्त करना होगा। कोई क्या बोलता है उसकी तरफ ध्यान मत दो। सीमा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। ओह चुप रहो अनुराधा, मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अनुराधा ने कहा, मैं तो तुमको बस तुम्हारी निराशा में से निकालने का प्रयास कर रही हूं। सीमा ने कहा, अच्छा तुम ही मुझे अपनी सफलता का रहस्य बताओ। अब मैं भगवान पर भी विश्वास नहीं करती, मैं अपनी असफलताओं से दुखी हो चुकी हूं। अनुराधा ने कहा, ठीक है इस इतवार को मेरे घर आना और तब मैं तुमको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। इतवार के दिन वो समय से पहले ही अनुराधा के घर पहुंच गई। अनुराधा उसको एक पीछे के पुराने से कमरे में ले गई। उस कमरे में कुछ प्लास्टिक के बक्से बिखरे पड़े थे, कुछ पुराने मेज और कुर्सियां भी थी। हर चीज पर धूल स्पष्ट दिख रही थी। सीमा हैरान हुई कि अनुराधा उसको इस पुराने सामान रखने वाले कमरे में क्यों ले आई थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया। सीमा ने पीछे देखा तो पाया कि अनुराधा वहां नहीं थी। सीमा अब उस कमरे में अकेली थी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। 3 घंटे बीत गए परंतु कोई भी नहीं आया। वो मन ही मन अनुराधा को गालियां देने लगी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उस कमरे से भागने के उपाय सोचने लगी। उसने प्लास्टिक के बक्सों को साथ साथ रखना शुरू कर दिया। उसने मेज के ऊपर उन बक्सों को सजाना शुरू कर दिया। वो हैरान हुई कि वो उस समय उन भारी बक्सों को आसानी से उठा रही थी। वो पहले मेज पर चढ़ी और फिर बक्सों पर चढ़कर रोशनदान से बाहर निकलने में सफल हो गई। वहां से वे बाहर कूद गई। वो रोशनदान ज्यादा ऊंचा नहीं था। उसने देखा कि अनुराधा पहले से ही वहां खड़ी थी, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सीमा ने गुस्से से कहा, अगर तुम अपनी सफलता के राज मुझे नहीं बताना चाहती थी तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों था, और मुझे उस कमरे में क्यों बंद करके चली गई। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। अनुराधा चुपचाप खड़ी रही और उसने सीमा को अपना गुस्सा निकालने दिया। कुछ देर बाद जब सीमा चुप हो गई तो अनुराधा ने कहा, जब तुम उस कमरे में अकेली थी तो तुम सिर्फ बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, तुम और सब चीजों को भूल गई थी। तुमने अपना दिमाग चलाया और पूरा ध्यान बाहर निकलने पर केंद्रित किया और तुम सफल भी हो गई। बस यही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। मैं तुमको बार बार कहती थी कि एक एक काम को ध्यान से पूरा करो, परंतु तुम एक से ज्यादा चीजों के बारे में सोचती थी और असफल होती जाती थी।
मेरे पास तुमको समझाने का कोई और रास्ता नहीं था। किसी भी काम को करने का कोई समय नहीं होता, जो काम तुम्हारे सामने है बस उसी पर ध्यान लगाओ और उसको ही करो, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। सीमा के मुंह में तो शब्द ही नहीं थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि अनुराधा ही उसकी सबसे अच्छी मित्र थी और उसका भला ही चाहती थी। मित्रों, सफलता का एक साधारण सा मूल मंत्र है, छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करने का प्रयास कीजिए और एक काम एक समय पर कीजिए। एक छोटी सफलता पाने के बाद अगले कदम के बारे में सोचिएगा। अगर आप बहुत से काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो आप किसी में भी सफल नहीं हो सकते। पहले एक सफलता प्राप्त कीजिए और फिर आगे बढ़िए, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।